दोस्तों, अगर आपको भी भारत की जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और रोहित शर्मा और केएल राहुल ने जो धमाकेदार पारियां खेली हैं उस पर एक कमेंट तो बनता ही है। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आज रोहित शर्मा के ऐतिहासिक शतक की बदौलत भारतीय टीम ने श्रीलंका को करारी हार दे दी, और ऐतिहासिक मौके पर टीम इंडिया वर्ल्ड कप में नंबर एक की पोजिशन पर पहुँच गई है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच खेला जा रहा है, और उस मैच में साउथ अफ्रीका जीत की दहलीज पर है, और हो सकता है कि साउथ अफ्रीका आज ऑस्ट्रेलिया को हरा दे और टीम इंडिया नंबर वन पर बनी रहे। इसके साथ ही लीग मैच के दौर खत्म हुए और अब टीम इंडिया टॉप पर है। इस मैच में पहले श्रीलंका ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 264 रन जैसा बड़ा स्कोर खड़ा किया, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की और उन्होंने 3 विकेट झटके। हालांकि 264 रन आज के दौर के क्रिकेट के हिसाब से ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 264 रन एक सम्मानजनक स्कोर होता है, और श्रीलंका की गेंदबाजी के सामने ऐसा लग रहा था कि भारत को परेशानी होगी, लेकिन रोहित शर्मा और केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने इस मैच को इतनी आसानी से जीत गया कि श्रीलंका को भी एहसास ना होगा। और इसके साथ ही भारतीय टीम ने कई रिकॉर्ड बना लिए, ना सिर्फ भारतीय टीम ने बल्कि रोहित शर्मा ने इस मैच में अपने नाम कई रिकॉर्ड कर लिए। एक तो उनका रिकॉर्ड ये रहा कि वो वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी हो गए हैं, वहीं सबसे ज़्यादा शतक वर्ल्ड कप इतिहास में भी वो 6 सचिन तेंदुलकर के बराबर पहुँच गए हैं। वहीं रनों के मामले में भी सचिन तेंदुलकर से वो कुछ ही पीछे हैं। हो सकता है कि अगले मैच में सबसे अधिक रन वर्ल्ड कप में बनाने वाले खिलाड़ी भी वो बन जाएं। अगर आपको भी आज रोहित शर्मा का प्रदर्शन शानदार लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में टीम इंडिया वर्ल्ड कप लेके आओ ये लिखना बिल्कुल।